अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं इफ्तार स्पेशल रेसिपी चिकन चीज़ शाही रोल, जिसे बनाने के लिए आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है। बोनलेस चिकन को मैंने मिक्सर में पीस कर एकदम बारीक उसका कीमा बना लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें मसालों में 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इतना नमक काफ़ी होगा क्योंकि हम इसमें चीज़ का भी यूज़ करने वाले हैं, चीज़ में भी नमक होता है। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं। तो अच्छे से आप मिक्स कर ले मसालों को। देखिए, अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे बाइंडिंग आ जाएगी चिकन में और रोल बनाते वक्त चिकन हमारी जो है फटेगी नहीं, अच्छे से बनेगी। इस तरीके से चीज़ स्लाइसेस लगेंगे हमें। आधा किलो चिकन में आपके 10 से 11 रोल बनकर रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले किचन टेबल पर हम ऑयल लगा लेंगे। अगर आप किसी चीज़ पर बना रहे हैं तो उस पर सबसे पहले ऑयल लगा ले और चिकन के इस तरीके से पार्ट कर ले कि आपको कितने बड़े रोल चाहिए। तो इस तरीके से पहले छोटे छोटे पार्ट्स कर ले चिकन के, और चिकन को रोल को बनाने से पहले हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से इसको फ्लैट कर देना है। जितना पतला आप फ्लैट कर सकते हैं उतना पतला आपको इसको फ्लैट करना है, मोटा नहीं रखना है। ये रोल जो है पतले होते हैं और ये फटेगा नहीं, आप डरिए मत, इसको आपको पतला ही रखना है। अब एक चीज़ के स्लाइस को हम इस पर रख देंगे और इसकी साइड्स की तरफ से हम इसको पहले फोल्ड करेंगे ताकि फ्राई होने के बाद चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना आए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। अब हल्के हल्के हाथों से हमें इसको रोल करते जाना है, ठीक है। एकदम हल्के हाथों से हम इसको रोल करेंगे और इसकी साइड्स को भी हमें अच्छी तरीके से पैक कर लेना है और हल्का सा इसको प्रेस करते हुए रोल कर लेना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। देखिए, एक रोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब दूसरा भी मैं आपको बनाकर बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। और जब भी आप रोल बनाएं पहले नीचे आपको ऑयल लगा लेना है, जिस पर भी आप रोल को बना रहे हो। तो सबसे पहले ऑयल लगा लें, उसके बाद चिकन का पार्ट रख के उसको पतला पतला सा फ्लैट कर ले। अब इस पर हम चीज़ के स्लाइस को रख देंगे। और इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। ये इतने टेस्टी रोल बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इसकी साइड्स को भी ये देखिए इस तरीके से पैक कर देना है। और सारे रोल इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए, सारे रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। आधा किलो चिकन में मेरे 10 रोल बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इस कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं। कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसको कोट कर देना है हमें कॉर्नफ्लावर से ताकि फ्राई करते वक्त जो है रोल हमारे फटे ना। तो अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लावर की कोटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है उसको झटक देना है हमें। तो सारे इसी तरीके से रोल को कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लावर से। ये 2 अंडे ले लिए हैं फैट कर, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, नमक भी ऐड नहीं किया है, बस इसको फैट कर ले लिया है। अब ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और एक एक रोल को हमें अंडे में डिप करना है और इसको ऑयल में डालते जाना है। इस पर ब्रेड क्रम्स वगैरह कुछ लगाया नहीं जाता है, सिर्फ अंडे में कोट करके इसको हमें फ्राई कर देना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्लेम
को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, ये 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने के लिए और 5 मिनट में ये फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चिकन को पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तब इनके साइड्स को हम चेंज कर देते हैं, ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए रोल हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं किचन टॉवल पर और सारे रोल हमारे मज़ेदार बने हैं, फटे भी नहीं हैं, टूटे भी नहीं हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए रोल को मैंने डिश आउट कर लिया है, एक मैं आपको कट करके बताती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही चीज़ी हमारे चिकन शाही रोल चीज़ के बनकर रेडी हो चुके हैं और ये इतने टेस्टी बने थे। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा मेरी तरीके से। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।